Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Dover Beach, which is written by Matthew Arnold. Matthew Arnold जो है विक्टोरियन पोइट है, इनकी पोयम डोवर बीच पब्लिश हुई 1867 में. इट्स अ वेरी फेमस पोयम विच टॉक्स अबाउट रिलीजन एंड फेथ. इनकी पोयम स्टार्ट होती है द सी इज़ काम टू नाइट. नेचर को दिखाते हैं कि सी इस टाइम पर काम है, नाइट का समय है. यह बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, जहाँ पर पोइट खड़े होकर इस बीच को देख रहे हैं, यह दृश्य देख रहे हैं. यह वह समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. यह पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें एक सिंगल पर्सन अपनी बात कह रहा है. पोइट यहाँ पर ऑडियंस से बात कर रहा है एंड वह ऑडियंस जो है साइलेंट है. सो इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड दिस पोएम स्टार्ट्स विद नेचर. नेचर से स्टार्ट होती है, इसकी कामनेस बताती है सी की, और ग्रेजुअली उसमें चेंजमेंट आ रहे हैं. सो पोइट जो है वो डोवर बीच को देख रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में खड़े होकर. तो उन्हें एक दृश्य दिखता है, सारा कुछ साइलेंट है, अच्छा दृश्य है, लेकिन एक जगह पर किनारे पर पेबल्स रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, उनसे पानी टकरा रहा है और वापस गुजर रहा है. तो उससे रगड़ की आवाज़ सुनाई पड़ती है. यह चीज़ शांति को भंग कर रही है और यह चीज़ मिजरेबल कंडीशन शो कर रही है. ह्यूमन लाइफ कैसे मिजरेबल है, कैसे इग्नोरेंस है, सैडनेस शो कर रही है. पोइट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोफोक्लीस. सोफोक्लीस इज़ अ फेमस एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियंस, जहाँ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में खड़े होकर पोइट यह दृश्य देख रहे हैं. ऐसे ही वे सोफोक्लीस का एग्जाम्पल देते हैं कि सोफोक्लीस भी ग्रीक और टर्की के बीच में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे होंगे. सो इट टॉक्स अबाउट सिमिलरिटी बिटवीन लाइफ एंड सी. ऑल्सो टॉक्स अबाउट सैड इफेक्ट ऑफ लाइफ, हाउ ह्यूमन कंडीशन इज मिजरेबल, हाउ लोनलीनेस फील्स बाय द पीपल, हाउ द कामनेस ऑफ द सी चेंजेस एज सेम एज द वर्ल्ड ग्रेजुअली चेंजेस. यह पोएम मेलनकली एंड सैडनेस दिखाती है और एक होप दिखाती है. पोइट इस पोएम को एंड करते हैं एक फियरफुल नोट के साथ, एक वॉयलेंट नोट के साथ. लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट. इस दुनिया में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक बैटल फील्ड की तरह है यह वर्ड, जहाँ पर ये इग्नोरेंट आर्मीज नाइट बोला गया है कि वह इस समय में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, बेवजह लड़ रहे हैं. इट्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. इट्स ऑल्सो शोज द डाउट बिटवीन रिलीजन एंड फेथ. So these are some points about this poem. We will discuss line by line in our next video. If you guys understand, like this video and subscribe it. Thank you.